हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनोज कुमार विश्वकर्मा और आज हम लोग देखेंगे लीनियर कोट्स, है ना। लीनियर कोट्स इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। लीनियर कोट्स क्या होते हैं उसका डिफिनेशन हम लोग वो समझना पड़ेगा, है ना। सो क्या डिफिनेशन क्या है ना, कोई भी दो कोडवर्ड को अगर हम लोग ऐड करते हैं, है ना, और कोई तीसरा कोडवर्ड आ जाता है उसको कहते हैं लीनियर कोड। लेट अस सपोज वी आर एडिंग आईएच कोड प्लस जेएच कोड और कोई एक केएच कोड आ गया, है ना। और ये जो एडिशन होगा इट विल बी मोडुलो टू एडिशन। क्या होगा? मोडुलो टू एडिशन, है ना। तो इसको कहते हैं लीनियर कोड, है ना। जैसा कि आप लोग को याद होगा जब हम लोग 7.4 हैमिंग कोड देख रहे थे, है ना, तो हम लोगों ने देखा था वहां पर जो टेबल था उसको आप देख सकते हैं या किसी भी बुक से भी आप देख सकते हैं, है ना, हैमिंग कोड। ओके, सो हम लोग यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। लेट अस सपोज C1 और C10 को ऐड कर देते हैं, C1 प्लस C10। हम लोग देखना पड़ेगा कि C1 क्या था, है ना। C1 वाज 0000001011, है ना, इट वाज C1। और C10 क्या था? 101 101 11, ओके, 0011 0011। जब इसको मोडुलो टू एडिशन करते हैं, यहां पर मोडुलो टू एडिशन करेंगे, है ना, तो मोडुलो टू एडिशन में क्या होगा? 11 क्या होता है? 0। 11 क्या होता है? 0। 00 भी क्या होता है? 0। 10 क्या होता है? 1। 10 क्या होता है? 1। 00 क्या होता है? 0। 10 जब सेम रहता है 11 तो 0 हो जाता है, 00 भी रहता है तो भी 0 हो जाता है, 10 रहता है तो 1 होता है, ये होता है मोडुलो टू एडिशन। ओके, सो ये आ गया। कायदे से अगर ये 7.4 हैमिंग कोड अगर लीनियर कोड है, है ना, तो इसको भी कोड वर्ड होना चाहिए। आप देखिएगा ये 11th कोड वर्ड है, C11, है ना, इट इज 11th कोड वर्ड। इस तरह और आप वेरीफाई करके देखिएगा, सारा का सारा कोई भी दो पेयर ऑफ कोडवर्ड को ऐड कीजिएगा हैमिंग कोड का, कोई एक दूसरा कोडवर्ड आ जाए, है ना, उसी जो 16 कोडवर्ड्स हैं उसी में से कोई ना कोई एक आ जाए, ठीक है। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टी पर, है ना, इसका प्रॉपर्टी क्या है ये हम लोगों को देखना है। अगर लीनियर कोड है तो इसका कुछ प्रॉपर्टी भी होगा। मेन तीन प्रॉपर्टी हैं, इन्हीं तीनों को हम लोग देखेंगे। लीनियर कोड का प्रॉपर्टी है, इसलिए एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं इट विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द लीनियर कोड्स, ठीक है। पहला, जो भी लीनियर कोड होगा उसमें ऑल जीरो जो कोडवर्ड होता है दैट विल बी अ कोडवर्ड, ऑल जीरो दैट इज 0000 SSA will be a code word. Will be a code word. कभी भी जितना भी linear code word है, linear codes हैं, उसमें all zero जो word है ना, that will be always a code word. And it is always C0. It is always C0. Okay. तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी लीनियर कोड का जो ऑल जीरो कोड वर्ड है वो उसमें जरूर शामिल रहता है, जो भी कोड वर्ड बनेगा उसमें 10000 वाला जरूर होगा। ओके, नाउ और कहा जाता है कि जैसा हमने आपको बताया था कि लेट अस सपोज आईएथ और जेएथ कोड वर्ड को हमने ऐड किया तो कौन सा कोड वर्ड आएगा? कोई ना कोई कोड वर्ड आएगा, लेट अस सपोज दैट इज केथ कोड वर्ड। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि C1 प्लस C10 को ऐड करें तो कौन सा कोडवर्ड आ गया था? C11।
तो के इज इक्वल टू 11, आई इक्वल टू 1 एंड जे इक्वल टू के, दैट इज वेरी सिंपल। नाउ अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इसका प्रॉपर्टी क्या है कि इसको हमने ऐड किया तो ये सीआई और सीजे के बीच में कुछ हैमिंग डिस्टेंस होगा, आपको याद होगा, जिसको कहते हैं डी हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू कोड वर्ड्स, है ना। तो हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू कोड वर्ड्स इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ, ये जो ऐड करके जो आया ना सी के kth कोड वर्ड, ये जरूर याद रखिएगा। दो कोड वर्ड को ऐड करने के बाद जो वर्ड आएगा उसका वेट और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। जैसे अभी हमने बात किया था C1 और C10 का, जो 7.4 हैमिंग कोड्स थे ये, है ना, ये 7.4 हैमिंग कोड्स के एग्जांपल्स में C1 और C10 अभी हमने लिया था, दैट वेयर 0001011 एंड C10 वी हैव 1010011, ये है C10, है ना। इसको आप ऐड कीजिएगा दोनों को, है ना, तो ये क्या आ गया था 0001101, ये आ गया था, और ये कौन सा कोडवर्ड था, 11th कोडवर्ड था, है ना। सो ये मत सोचिएगा कि 1 और 10 ऐड करके हमने C11 किया, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, है ना, कोई भी आ सकता है ना। जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे C3 प्लस C14 को आप ऐड कीजिएगा तो C13 आता है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि 1 और 10 11 होता, नहीं वो नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी दो कोडवर्ड को, अगर लीनियर कोडवर्ड का दो कोई भी कोडवर्ड है उसको आप ऐड कीजिएगा मोडलो टू एडिशन के हिसाब से, तो जो कोडवर्ड आएगा दैट विल ऑल्सो बी द कोडवर्ड ऑफ दैट ब्लॉक कोड, है ना। ओके सो ये भी, ये जो हमने बताया ये भी हैमिंग कोड का ही एक एग्जांपल है। C3 और C14 को ऐड कीजिएगा तो क्या आता है C13। लेट अस सपोज, अब हमको ये तो हमने देख लिया था, है ना, कि दो कोडवर्ड को ऐड करने के बाद तीसरा कोडवर्ड आता ही आता है, है ना, C1 C10 को ऐड किया तो C11 आया। अब हम लोगों को इसको वेरीफाई करना है, डी ऑफ 0001011 और क्या है ये 101001, है ना, ये डिस्टेंस क्या हो गया ये निकाल के हम लोग देख लेंगे। अभी पहला यहां 0 यहां 1, ठीक है, यहां हो जाएगा डिफरेंट है, यहां 0 यहां भी दूसरा वाला नहीं होगा क्योंकि ये सेम है तो डिस्टेंस नहीं हुआ। तीसरा यहां 0 है यहां 1 है तो डिस्टेंस काउंट होगा, यहां 1 है यहां 0 है फोर्थ वाला तो ये डिस्टेंस काउंट होगा, यहां 0 है यहां भी 0 है तो ये सिमिलर वर्ड्स हैं तो डिस्टेंस नहीं है, यहां 1 है यहां भी 1 है तो यहां भी काउंट नहीं होगा, यहां भी काउंट नहीं होगा, तो कितना हो गया द डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C10, डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C10, यहां पर हम लोगों ने C1 और C10 ले लेना है तो क्या आया है C11। तो इसीलिए C1 और C10 के बीच जो हमने डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस बिटवीन C1, C10। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, वेट ऑफ C11 के बराबर होना चाहिए। तो C11 क्या है, 11 है 1011000। देखिए इसमें वेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ वंस कितना है 3 आ गया ना। ओके सो ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर आप ith और jth कोडवर्ड को ऐड करते हैं और कोई kth कोडवर्ड आ जाता है तो जो ith और jth के बीच जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ ck, है ना। ओके सो तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे यहां पर, है ना, क्या है, और वो प्रॉपर्टी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत काम आने वाला है, द मिनिमम डिस्टेंस। हम कई बार हम लोग बोले हैं ना कि मिनिमम डिस्टेंस का बहुत
इंपॉर्टेंट रोल है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी कोड वर्ड, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी कोड वर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द मिनिमम वेट, डी मिनिमम इज इक्वल टू डब्ल्यू मिनिमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि अगर हमको डी मिनिमम निकालना होगा और लेट अस सपोज 7.4 कोडवर्ड है, तो इसमें कितने पॉसिबिलिटी होंगे, कितने कोडवर्ड्स हैं इसमें, 16 कोडवर्ड्स हैं, है ना। और 16 कोडवर्ड्स का मतलब क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, पेयर्स होंगे 16C2। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आता 120। तो 120 पेयर का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, उसमें जो सबसे कम होगा दैट विल बी डी मिनिमम, है ना। और अगर हम लोग कोडवर्ड्स का बात करें तो इसमें कोडवर्ड कितना है, कोडवर्ड कितना है 16, तो 16 का वेट निकालना पड़ेगा, और जो उसमें जिसका सबसे कम वेट होगा वही डी मिनिमम के बराबर होगा। कितना कैलकुलेशन आसान हो गया, कहां 120 कैलकुलेशन करना पड़ता है डी मिनिमम निकालने के लिए, और जब हम लोग वेट मिनिमम निकालना है तो सिर्फ 16 का वेट निकाल लेना है, जो 16 कोडवर्ड्स हैं सबका वेट निकाल लेंगे, जो मिनिमम होगा दैट विल बी इक्वल टू 16, दैट विल बी इक्वल टू डी मिनिमम, है ना। तो ये बहुत बार ये तीसरा प्रॉपर्टी है वो बहुत काम आएगा, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी ब्लॉक कोड, है ना, इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ मिनिमम वेट ऑफ एनी कोडवर्ड। जितना भी कोडवर्ड है सबका हम लोग वेट निकाल लेंगे, वेट जो मिनिमम होगा दैट विल बी इक्वल टू डी मिनिमम, है ना। ओके सो और क्या है, एक दो और लीनियर एग्जाम्पल, लीनियर कोड का एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। जो हम लोगों ने देखा था 4.3 इवन पैरिटी कोड, 4.3 इवन पैरिटी कोड, 4.3 इवन पैरिटी कोड, है ना, इज अ लीनियर कोड, इज अ लीनियर कोड। ये याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में कई बार पूछता है कि 4.3 इवन पैरिटी कोड लीनियर कोड है या नहीं है, है ना। इसके जितने भी कोड वर्ड्स होंगे उसको आप देख सकते हैं कि ये लीनियर कोड्स हैं। और क्या होता है, 4.3 वाला निकालना भी आसान है, कैसे, 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, और यहां पर इवन पैरिटी बनाना है, यहां 0 यहां 1 यहां 1 यहां 0 यहां 1 यहां 0 यहां 0 और यहां 1, ये इवन पैरिटी कोड बन गया। इसमें नंबर ऑफ वंस को हमने इवन बना दिया, ये लास्ट वाला कोड हमारा एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है, ये पैरिटी बिट इसको कहते हैं, है ना। तो ये पैरिटी बिट है और बाकी ये इंफॉर्मेशन वर्ड्स है I1, I2, I3। अब ये क्या हो गया, C0 और ये क्या हुआ, C7, माने 8 कोड वर्ड्स है। अब ये किसी के बीच भी आप कोई दो को ऐड करके देखिए, ये दो को ऐड करके देखें क्या होगा, 0 0 0 0 0 0 0 1 1, है ना, और ये 0 1 1, क्या ऐसा आया है, क्या इसमें है क्या ऐसा 0 0 1 1, ये आ तो गया, है ना। तो इस तरह से 0 0 1 1 आ गया, है ना। जीरो वाले के आप साथ छोड़ दीजिए, ये दोनों को ऐड कीजिए, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, 0 0 हो जाएगा 0, यहां 1 1 क्या हो गया 0, और फिर से यहां क्या हो गया 1, ये भी क्या हो गया 1, ये भी देखिए ये वाला है ना आ गया। ये दोनों को ऐड करने के बाद फिर से कोड वर्ड आ गया, कोई भी इसका इसके बीच ले लीजिए, है ना। तो यहां 1 1 क्या हो गया 0, यहां 0 1 क्या हो गया 1, यहां 0 1 क्या हो गया 1, और 1 1 क्या हो गया 0, 0 1 1 0 है क्या कहीं 0 1 1 0, देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये कोई भी ऐड करें हम, किसी भी दो
कोडवर्ड को, तो ये इसी में से कोई एक कोडवर्ड आ जाता है। इसीलिए 4.3 इवन पैरिटी कोड इज ए लीनियर कोड, है ना। एक और एग्जांपल याद रखिएगा आप, है ना, कि 4.3 ओड पैरिटी, 4.3 ओड पैरिटी कोड इज नॉट अ लीनियर कोड, इज नॉट अ लीनियर कोड। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है ना। अगर ओड 4.3 ओड पैरिटी जो ब्लॉक कोड है वो लीनियर कोड नहीं है, 4.3 इवन पैरिटी ब्लॉक कोड इज अ लीनियर कोड, बट 4.3 ओड पैरिटी कोड इज नॉट अ लीनियर कोड। कैसे, जैसे यहां पर हम लोग देख लेते हैं, अब इसको ये वर्ड्स हैं, है ना, इंफॉर्मेशन वर्ड्स हैं I0 to I7, और हम लोग क्या करते हैं इसको ओड पैरिटी बना लेते हैं। क्या करा लेते हैं, ओड पैरिटी बना लेते हैं। ओड पैरिटी मतलब नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए, और नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए, इट शुड बी ओड। तो यहां पर 1, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 1 और यहां पर 0। ये हो गया ओड पैरिटी कोड। अब ओड पैरिटी कोड में किसी दो को ऐड कीजिए, ये दोनों को ऐड किया, क्या आया, है ना। मोडलो टू एडिशन करना है, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 और ये 0 1 1 0 0 1 0 1। अब देखिए ये तो ओड पैरिटी है ही नहीं, ये तो इवन पैरिटी आ गया, तो खैर इसमें तो आने का सवाल ही नहीं है। वैसे भी आप खुद सर्च करके देखिए, क्योंकि ये ओड पैरिटी का सब कोडवर्ड है, और ये दोनों को सम करने के बाद क्या आया, मोडलो टू एडिशन करने के बाद इवन पैरिटी। तो ये दो कोड को सम करने के बाद तीसरा जो कोड आ रहा है वो इसमें नहीं है। इसका मतलब कि ये सी आई प्लस सी जे इज इक्वल टू सी के को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि दो कोडवर्ड को हमने ऐड किया, ये इसमें से कोई कोडवर्ड आया ही नहीं। इसका मतलब ये इट इज नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर कोड, क्योंकि लीनियर कोड तभी कहा जाएगा जब किसी भी दो कोडवर्ड को ऐड करें और जो आए सब होके वो भी कोडवर्ड ही में से ही कोई एक हो, कोई, तभी उसको कहते हैं लीनियर कोड। इसीलिए कहते हैं कि 4.3 ओड पैरिटी कोड इज नॉट अ लीनियर कोड, बट 4.3 इवन पैरिटी कोड इज अ लीनियर कोड, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।